हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई आज है संडे और संडे है तो इसलिए होंगे आराम से काम। तो फिलहाल जो है मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और चाय बनने के लिए रख रही हूँ, उनका चाय बनने के लिए रख देती हूँ। टाइम हो चुका है क्योंकि संडे को थोड़ा सा लेट ही उठते हैं, क्योंकि अब वैसे डेली में तो लगा ही रहता है काम, तो संडे का ही थोड़ा सा आराम मिल जाता है, थोड़ा आराम से काम करते हैं। और यार रात को ना मैं सिलेंडर जो है रेगुलेटर से बंद कर देती हूँ, क्योंकि कर देना चाहिए कई बार, तो मैं करके ही सोती हूँ हमेशा से, मेरे को ही आदत हो गई है। बट सुबह को कई बार भूल जाती हूँ तो सीधा हाथ ना गैस पे जाता है, लाइटर उठाती हूँ सीधा गैस जलाती हूँ, बट वो ऑन करना भूल जाती हूँ। फिर मैंने वो ऑन किया तब रखी है चाय बनने के लिए। और मम्मी पापा भी नहा धो लिए तो मम्मी पापा भी पी लेंगे। बस इसके बाद मैं अपना सिर वे पहुँच लेती हूँ, पूजा वूजा कर लेती हूँ फ्री होके, फिर पूजा से फ्री होके चाय पी के उसके बाद ही फिर कुछ खाने पीने का देखेंगे। पूछूंगी मम्मी से कि क्या बनाना है, उसके बाद ही फिर कुछ रखूँगी, क्या सब्जी वब्जी कौन सी काटनी है तो देख लूँगी। अभी तो फिलहाल जीनू जीनू के पापा तो सो ही रहे हैं, ये दोनों नहीं उठे हैं, तो मैं पूजा करके आ जाती हूँ आराम से, फिर इनको ही उठाऊँगी बाद में आके। और आज यार ना मैंने बालों पे कंडीशनर भी कर लिया, मतलब संडे को कई बार कर लेती हूँ मैं, क्योंकि संडे का टाइम जो है थोड़ा आराम से मिल जाता है, तो थोड़ा आराम से ही नहाती आती हूँ मैं, तो इसलिए मैंने कंडीशनर भी कर लिया, तो बाल बड़े अच्छे अच्छे से लग रहे हैं। और बाथरूम तो साफ़ कर ही लिया था, नहाने से पहले ही हो गया था बाथरूम साफ़, तो बस अब चलते हैं नीचे, पूजा वूजा करके आ जाती हूँ मैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? तो यार आज भयंकर वाली गर्मी हो रही है, मतलब बहुत गर्मी हो रही है आज सच में। मैंने सुबह से एसी चला रखा है बट बंद करना पड़ता है, क्या करें, क्योंकि ज़्यादा देर एसी भी चलाना सही नहीं रहता, क्योंकि गर्म हो जाता है एसी, और फिर उसकी जो एसी का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसलिए कंटिन्यू नहीं चलाते हम लोग। यह है कि बीच में बंद कर देते क्योंकि मशीन है यार, वो भी तो आराम चाहती है, बट आज सच में यार इतनी गर्मी है ना। तो यार काम से हो गए हूँ मैं फ्री, खाना पीना भी खा चुके हैं, सारा काम हो चुका है, हस्बैंड का आज वर्क है तो आज भी लगे हुए हैं काम में, तो बस सोच रही हूँ कि ना कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो सोच रही हूँ कि बाहर से क्या मंगाऊँ, घर में बना लेती हूँ। काफ़ी टाइम से ना पकौड़ियाँ नहीं खाई हैं, तो सोच रही हूँ कि वही कर लेती हूँ, पकौड़ी बना लेती हूँ। आलू भी रखा है, प्याज भी रखा है, और मोस्टली आलू प्याज की अच्छी लगती है सबको, मतलब फेवरेट होती हैं ये तो, बाकी कोई सब्जी रखी हो चाहे ना रखी हो तो आलू प्याज तो रहता ही घर में, तो सोच रही हूँ उसी की बना लेती हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने बनाई भी नहीं है, तो चलो यार बना के खा लेते हैं और आप लोगों को भी खिलाती हूँ और आपसे मिलती हूँ फिर बाद में। तो यार थोड़ा सा बेसन ले लिया है मैंने, उसमें गाटू में धनिया पत्ती, और इतने में मैंने सोचा कि यार तेल लगा देती हूँ, इतने ना कढ़ाई ना गर्म हो जाएगी, अब तक मैं ये तैयार करूँगी ना सारा सामान, तो इतने में कढ़ाई गर्म हो जाएगी, तो तेल लगा दिया। और पकौड़ी जो है तेल बहुत ज़्यादा पीती है, सारा तेल ख़त्म कर देती है बट ये है कि मज़ा आ जाता है खा के। तो यार मैंने ना थोड़े मसाले मिलाए हैं, ज़्यादा नहीं कुछ कर रही मैं, मैंने लाल मिर्च डाल दी है और धनिया पाउडर डाल दिया और नमक डाल दिया, हरी मिर्च जो है काटी थी आलू में वही डाल दी मैंने, और ये चाट मसाला भूल गई थी डालना तो फिर मैंने चाट मसाला डाल लिया। अब इसका जो है घोल तैयार कर लेंगे बेसन का, ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर रही क्योंकि आलू की पकौड़ी है ना, और तो आलू की पकौड़ी में थोड़ा सा पतला बेसन ही सही लगता है, क्योंकि आलू के ऊपर जो बेसन चढ़ के आएगा ना वो फूलेगा जो, तो उसके लिए मैं डालूँ बेकिंग सोडा, ताकि जो बेसन है आलू के ऊपर लपेट के थोड़ा सा फूल जाए तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये आलू मैंने काट के छील लिए थे, छील के काट लिए थे गोल गोल, छोटे आलू तो ज़्यादा बड़े बड़े थे नहीं, तो एक एक दो दो पीस जो भी बनेगा तो आलू के वो डालती आ रही हूँ मैं, और आलू की बना रही हूँ पहले, क्योंकि मम्मी प्याज खाती नहीं है, तो पहले मम्मी के लिए सिंपल से निकाल दी है पुदीने की चटनी के साथ, आप लोग भी खा ली जाके बन के रेडी हो गई हैं। और फिर मैंने इसमें डाल दिया प्याज, तो हस्बैंड और मैं जो प्याज वाली खा लेंगे, तो ये प्याज वाली बन रही प्याज और आलू की। तो यार देखो मैं सोच रही हूँ कि खरबूजे भाई साहब रखे हैं तो इनको काट लेते हैं, और काट के करते हैं छुट्टी, और फिर देखो कुछ टाइम बाद ही फ्रिज का हाल देखो क्या हो जाता है, कितना भी साफ़ कर लो सब्जी वब्जी रखो ना तो ऐसे जाती है, तो देखती हूँ कल क्लीन करती हूँ फ्रिज को, फिलहाल जो है इसे खा लेते हैं, देखते हैं यार मीठा निकले तो बहुत अच्छी बात है, खरबूजा अगर मीठा नहीं निकलता है ना तो बहुत दुख होता है खाने में, देखते हैं अच्छा निकले तो। तो यार आप लोग क्या करते हो अगर खरबूजा मीठा ना निकले बाई चांस, तो क्या करते हो? क्योंकि मैंने कुछ लोगों को पता है इसमें चीनी मिला के खाते हुए देखा है ऐसा,
कि कुछ लोग क्या करते हैं, मीठा नहीं निकलता तो चीनी मिला लेते हैं और चीनी मिला के फिर खाते हैं। तो आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या? अगर करते हैं तो मुझे कमेंट में बताना कि कौन कौन खरबूजे में चीनी मिला के खाते हैं अगर मीठा नहीं निकलता तो। मतलब मैंने कभी किया नहीं है, बट हाँ ऐसा देखा है मैंने। बाकी चलो इसे काट लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और फिर रात के खाने की तैयारी में लगेंगे बाद में। फिलहाल ये खा लेते हैं खरबूजे। कितनी बार शक्ल देख के लग रहा है कि मीठा होगा। ऑरेंज ऑरेंज यहाँ बेटा, मैं खरबूजा काट रहा हूँ, मस्क मेलन काट रहा हूँ मैं, तुम खाओगे? बहुत मीठा है जीनू। ये तो यार बहुत मीठा है सच में। मजा आ गया खा के। फटाफट से काटते इसको खाती हूँ, और हस्बैंड अभी नीचे गए, अभी आ रहा हूँ मैं, नहीं भी खिलाती हूँ। जीनू को अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्यों नहीं अच्छे लगते खरबूजा। तरबूज खा लेती है बट जो खरबूजे ये नहीं खाती है, पता नहीं क्या दुश्मनी इसकी। चलो मैं काट लेती हूँ, मैं देखूंगा मूवी। खाके देखो बहुत मीठा है वैसे ही, मजे में। अरे बहुत मीठा है ना। बहुत मीठा है जी। तो यार उसके बाद हो गया रात का टाइम, तो मैं यहाँ बना रही हूँ मूली की भुजिया, जो कि मैंने उबाल के निचोड़ ली है। और उसी कढ़ाई में छौंक, जिसमें पकौड़ी बनाई थी ना, तो उसमें तेल था ही, तो मैंने कहा इसी में ही छौंक देती हूँ, क्यों तो इसको मैंने धोया नहीं था कढ़ाई को। तो इसी में बस हींग पाउडर डाल दिया और थोड़ी सी मेथी दाना डाल दिया था, फिर हल्दी और ये मिर्च डाल के चटपटी सी भुजिया। भुजिया ना यार चटपटी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए लाल मिर्च जो है ना ज़्यादा से डाल दिया, तो ये रेडी हो जाएगी। और ये जो चावल है मैंने धो लिए हैं, तो इनको बनने के लिए रख दूंगी फिलहाल। और ये दाल जो है बनके रेडी हो चुकी है, साबुत मसूर की दाल है ये, और तेल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था तो जीरा थोड़ा सा जल सा गया था। तो दाल भी थोड़ी वैसी लग रही है, और रोटी सेक रही थी। फिर इतने में पापा ने बोला कि उनको ना मिर्च खानी है, जो मेथी की मिर्च सुखाई थी ना, तो फिर मैंने तेल डाला तवे पे और भून ली फटाफट मिर्चें, तो ये रेडी हो गई है थाली। आ जाइए यार आप लोग भी खा ली जाके, और खा पी के हो चुके हैं फ्री। सारा काम किचन से मैं फ्री हो चुकी हूँ, मतलब सारा काम हो चुका है, मैंने भी खाना खा लिया है। और इसके बाद फिर मैं ये कपड़े जो है फोल्ड करके रख लूँ, जो कि रख नहीं पाए थे, तो मैं रात के टाइम ही मोस्टली रख देती हूँ कपड़े, तो सुबह के लिए ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, इतना काम बर्डन नहीं होता, वरना फिर कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे तो ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो इसलिए रात के रात ये सारे काम जो है फ्री करके तभी सोती हूँ मैं। और बेड वेड अगर गंदा होता तो बेड वेड भी अच्छी तरह क्लीन करके और तभी सोने के लिए जाती हूँ, क्योंकि सुबह को उठती हूँ ना तो फिर मुझे साफ़ साफ सा थोड़ा दिखता है तो अच्छा लगता है, मन को भी शांति मिलती है। तो बस यहाँ जो सारे कपड़े इनको रख देती हूँ, वैसे तो गर्मी है तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, डालने के घंटे बाद ही से कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि मशीन में वैसे भी सूखे हुए निकले होते हैं आधे, और बस थोड़ी सी धूप लगानी होती है फटाफट से सूख जाते हैं। बट फिर भी यार मैं रख ही नहीं पाती हूँ, कुछ ना कुछ काम लग जाता है और कपड़े रह जाते हैं, और कपड़ों का नंबर रात में ही आता है पता नहीं क्यों, तो रात में ही करके रखती हूँ मैं उनको तह करके। और यहाँ फिलहाल टीवी चल रही है, जीनू देख रही है अपनी, और मैंने लेके बैठ गई हूँ शिमला मिर्च, मैंने कहा सुबह के लिए यार सब्ज़ी काट के रख दूँ, तो इसलिए सब्ज़ी काट रही हूँ, शिमला मिर्च की सब्ज़ी बन जाएगी, तो खाली शिमला मिर्च काट रही हूँ, कोई आलू वालू नहीं डलेंगे। तो टमाटर डाल के ऐसे मैंने पहले भी दिखाया हुआ आपको, वैसी बन जाएगी नॉर्मल। और क्योंकि यार सुबह को आपको पता ही है, जो हाउस वाइफ है उनको पता है, सब ऑफिस जाते हैं तो यार बहुत जल्दी करना पड़ता है, तो इसलिए लेट ना हो जाए। और हस्बैंड भी सुबह कह रहे हैं ऑफिस जाने को, तो फिर मैंने कहा काट के रख देती हूँ। और चलिए यार ब्लॉग का एंड में यहीं पे करते हैं, आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चलिए बाय, टेक केयर।